नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2022 में कुछ अजीब तरीके से खेल आगे बढ़ रहा है। जो टीमें कमजोर मानी जा रही थी वो टीमें आगे बढ़ती जा रही हैं, जो टीमें ताकतवर मानी जा रही थी वो टीमें पीछे हटती जा रही हैं। लेकिन कुछ खिलाड़ी भी ऐसे हैं जिन्हें आईपीएल 2022 से पहले बड़ा मंच मिला, बड़ी उनकी तारीफें हुई, बड़ा उनके बारे में कहा गया, लेकिन जब आईपीएल शुरू हुआ उनको मौका मिला तो ये खिलाड़ी फेल हो गए। एक खिलाड़ी की चर्चा करूंगा, एक टीम की चर्चा करूंगा। टीम है केकेआर। जी हाँ, केकेआर की टीम में एक खिलाड़ी है जिसको लेकर कहा जा रहा था कि ये खिलाड़ी बहुत बड़ा है, टीम इंडिया में मौका मिला, आईपीएल 2021 में उस खिलाड़ी ने बहुत बड़ा करिश्मा किया। लेकिन जब आईपीएल 2022 में इस खिलाड़ी का नंबर आया तो एक खिलाड़ी बल्ले से पूरी तरह फ्लोप रहा। नाम है वेंकटेश अय्यर। जी हाँ, आईपीएल 2021 की अगर बात करोगे तो वेंकटेश अय्यर ने बल्ले से बहुत कमाल किया था, और वेंकटेश अय्यर के बल्ले का ही कमाल था कि उन्हें टीम इंडिया में मौका मिला, टीम इंडिया में खेलने की उनको जगह दी गई। लेकिन जब वेंकटेश अय्यर आईपीएल 2022 में आए तो वेंकटेश अय्यर का बल्ला पूरी तरीके से फ्लोप रहा। उन्हें ओपनिंग में आजमाया गया, वहां पर फ्लोप रहे, मध्यम क्रम में आजमाया गया, वहां पर फ्लोप रहे। और अब कहा जा सकता है कि इस एक खिलाड़ी के फ्लोप होने के चलते केकेआर की टीम बैक कर रही है, केकेआर की टीम हारती जा रही है, क्योंकि वेंकटेश अय्यर को बाहर निकाल नहीं सकते, अंदर रखे तो वो खेल नहीं रहे हैं। तो यहां पर कप्तान श्रेयस अय्यर फंसे हुए हैं कि वो वेंकटेश अय्यर को बाहर करें या फिर अंदर रखें। यह बहुत बड़ी परेशानी कप्तान श्रेयस अय्यर के सामने खड़ी हो गई है, क्योंकि ना वो ओपनिंग में रन बना पाए, ना वो मध्यम क्रम में रन बना पाए, और उनकी बल्लेबाजी पूरी तरीके से फ्लॉप रही। इसीलिए केकेआर की हार का सबसे बड़ा कारण वेंकटेश अय्यर को माना जा रहा है, क्योंकि केकेआर के पास स्टार खिलाड़ियों की कमी नहीं है। सुनील नारायण, आंद्रे रसेल, पैट कमिंस, टिम साउदी, वरुण चक्रवर्ती, श्रेयस अय्यर, एरोन फिंच, तमाम बड़े खिलाड़ी केकेआर की टीम में शामिल हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर चर्चा किसी की हो रही है तो वो हो रही है वेंकटेश अय्यर की, क्योंकि बाकी खिलाड़ियों को बाहर कर दिया गया है। बाकी खिलाड़ी बढ़िया नहीं खेल रहे तो उनको बाहर कर दिया गया, लेकिन वेंकटेश अय्यर को अभी किसी भी मैच में बाहर का रास्ता नहीं दिखाया गया है। इसीलिए वेंकटेश अय्यर के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, और कहा जा रहा है कि केकेआर की हार का सबसे बड़ा कारण ये खिलाड़ी है। तो आपका इस खिलाड़ी को लेकर क्या कहना है, वेंकटेश अय्यर को लेकर क्या कहना है, और क्या आप मानते हैं वास्तव में केकेआर की हार का कारण वेंकटेश अय्यर है? आपका जो भी मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।